हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इजीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 300 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और अगर पहली बार आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये लैमार्क ने एवं ट्रेवेरेनस ने किया था। ये लैमार्क फ्रांस के हैं और ये जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था, मतलब किसने बताया था इसे? तो ये लैमार्क ने। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है हिप्पोक्रेट्स, इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। ये अक्सर पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो ये थियोफ्रेस्टस है। अगला क्वेश्चन है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो ये है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये डार्विन है, डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे ह्यूगो डी ब्रीज। ये ह्यूगो डी ब्रीज पूरा नाम है, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। ये डार्विन से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ये है ग्रेगर जॉन मिल्टन, ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया था, किस पौधे का चयन किया था? तो ये था मटर का पौधा। इन्होंने जो आनुवंशिकी का जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये क्रोमोसोम में होता है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये थे जोहानसन ने। नेक्स्ट, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो ये जीन गुण सूत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे विडल एवं टैटम ने। नेक्स्ट, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो ये लोहा होता है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो ये है हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। और जब शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं जमता, जैसे कट जाता है, तो वो विटामिन के की कमी के कारण, तो ये भी आप याद रखिएगा कि विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हेमेटोलॉजी कहलाता है, रक्त का अध्ययन। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो ये प्लीहा में होती है, प्लेटलेट्स की मृत्यु। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इस विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर में कितने भाग पाए जाते हैं? तो उसमें जो वो तरल भाग होता है रुधिर का, वो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये 60% भाग होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो प्लीहा है, इसे ही हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रगाह, ये तो अक्सर पूछा जाता रहता है, और ये है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह कितने होते हैं? तो ए बी और ओ होते हैं। ये रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये थे लैंड स्टेनर, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। सर्वदाता सर्व समूह कौन सा है? तो ओ है, जो सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही ये ए बी होता है, ए बी समूह ये सर्वग्राही होता है, मतलब ये सभी से ब्लड ले सकता है और वो सबको ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट, आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आर एच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो ये है लैंड स्टेनर एवं विनर। नेक्स्ट, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो एक एड्रेनल ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में, जिसी के द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ये वृक्क में होता है, वृक्क में यानी किडनी में रक्त शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये डायलिसिस कहलाती है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ये किडनी में होता है। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम किडनी का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है रक्त। अगला क्वेश्चन, स्फग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फग्नोमैनोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये थे विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो ये सीरा कहलाती है, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो ये पेसमेकर होता है। जरावीक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो जरावीक सेवन है ये कृत्रिम हृदय है जो बनाया गया है, इससे ये जरावीक सेवन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये रक्त के द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। पित्त का रंग कैसा होता है? पित्त कैसा होता है? तो ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्षारीय होता है या अम्लीय, तो पित्त क्षारीय होता है और ये पीले हरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पित्त का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए क्या भंडारित होता है? तो विटामिन ए इसमें भंडारित किया जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट, पित्त यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है, ये याद रखिएगा, और पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? जब कुत्ता काट लेता है तो उसके द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, जैसे जो पागल कुत्ते होते हैं उनके काटने पर। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग का क्या कारण है? विषाणु होता है। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो ये थे इवानोवस्की थे, इवानोवस्की, इन्होंने विषाणु यानी वायरस की खोज की थी। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये इस समय करंट का क्वेश्चन है कोरोना की वजह से। नेक्स्ट, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये वायरस के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। और ये शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है, शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये थे लिवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पिट्यूरी ग्रंथि पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? तो ये पिट्यूरी ग्रंथि ही मास्टर ग्रंथि कहलाती है, इसे पीयूष भी कहते हैं। नेक्स्ट, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो ये वर्णांधता और हीमोफीलिया होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो ये हेरनर थे, कब किया था? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, हरा एवं लाल रंग के हरा एवं लाल रंग की पहचान एक वर्णांधता व्यक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि से होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, लाइकेन में कौन परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? तो ये कवक और शैवाल होते हैं जो लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पोचन पचाने में कौन सहायक होता है? तो एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की रचना किसके द्वारा होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। और नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये माल्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक तत्व होता है? तो कैल्शियम फास्फोरस होता है, जो हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए आप कैल्शियम फास्फोरस की जो भी जिसमें ये ज्यादा पाया जाता है वो पदार्थ से ज्यादा खाया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो ये एड्रीनल होता है, जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है? पौधे पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, हरित लवक के कारण। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट, पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? तो ये मैग्नीशियम होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट, पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व तो क्या है? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना होता है। अगला क्वेश्चन, दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु क्या है? राइजोबियम। पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधे डायरेक्ट रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण नहीं करते हैं, वो नाइट्रेट में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद ही पौधे उसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, पादपों में जल तथा खनिजों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये डी डुबे थे, 1958 में किया था। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम और लाइसोसोम अक्सर पूछे जाते रहते हैं। और प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए और आरएनए है क्या? ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए और आरएनए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो ये जीन होता है, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन क्या होती है? तो पुरुषों का जो होता है वो XY होता है, और महिला का, स्त्री का, XX होता है। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसके कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये वेटिंग एवं वेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कहाँ बनता है? तो हमारे शरीर में अग्नाशय में बनता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। नेक्स्ट, प्लास्मोडियम का परजीवी किसका परजीवी है? तो ये मलेरिया का परजीवी होता है, मलेरिया रोग का, प्लास्मोडियम। नेक्स्ट, मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है? तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं, जो मलेरिया रोग के वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होता है? तो ये प्लीहा होता है। नेक्स्ट, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग, और मानव के हृदय में 4 प्रकोष्ठ। तो ये आप याद रखिएगा कि मेंढक में 3 पाए जाते हैं और मानव में 4। नेक्स्ट, मानव में जल की मात्रा शरीर के भाग का कितना होता है? तो टोटल 10% होता है। भार का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भार का होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 ये के पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। अगला क्वेश्चन,
गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमेटिक नामक पदार्थ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिक नामक पदार्थ से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये डीएनए होता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट, अमरूद, अंगूर, शलीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो वो फल भित्ति होती है, जो हम खाते हैं, अमरूद, अंगूर। और इसमें नेक्स्ट, आम, पपीता तथा बेर के खाने वाले भाग क्या होते हैं? क्योंकि इसका मध्य का भाग खाते हैं, तो ये मध्य फल भित्ति होती है। और इसमें पूरा खाते हैं हम, टमाटर में कुछ भी फेंका नहीं जाता, सब कुछ खाते हैं, अंगूर में भी, अमरूद में भी, तो इसलिए फल भित्ति होता है। और आम ऐसे ही देख सकते हैं, उसकी जो बीज होता है वो फेंक देते हैं, छिलका फेंक देते हैं, और पूरा बीज का जो हिस्सा होता है वो खा लेते हैं, तो वो फल मध्य फल भित्ति होती है। नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? पुष्पक्रम कहलाता है। हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? तो एक कुरकुमिन होता है, जिस कारण हल्दी का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो ये तना होता है, अदरक और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? लैक्टोज। और लोहे की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? पालक के पत्तों में, यानी हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा, हरी सब्जियों में जो पत्ते होते हैं, पत्तेदार सब्जियां, उनमें सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, शर्करा को यकृत में बदल देती है, ग्लाइकोजन में बदल देती है शर्करा को यकृत में। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बेंजोइक अम्ल का किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों को अध्ययन को अक्सर ये पूछे जाते रहते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन। जल में विलेय विटामिन कौन से होते हैं? तो बीसी होते हैं, सिर्फ बीसी याद रखिए, कि जो बीसी होता है वो जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा जो भी ए बी बीस में आ गया, ए बी सी डी और ये के, ये जो भी विटामिन है चार, ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यहाँ पर एक छूट गया, वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये ए डी ई के, ये भी बताया, ए डी ई के, सी नहीं होता, ए डी ई के। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की मस्तिष्क में पहचान किस मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा की जाती है? तो जो हम सूंघते हैं कोई किसी भी गंध का, जो भी गंध लेते हैं हम, कि वो कैसी गंध है, सुगंध है अथवा गंध है, तो वो मानव मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, उसी के द्वारा हम इसका सुगंध का मतलब महसूस करते हैं, उसे जानते हैं कि वो कैसा है। नेक्स्ट, सुक्रोज में क्या होता है? जो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है मानव में। नेक्स्ट, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किस कमी से अवरुद्ध हो जाता है? तो ये थायरोक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास कम हो जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो ये थाइमस ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो ये सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट, प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से होता है।
दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। नेक्स्ट, दूध के प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो रेनिन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? लैक्टोमीटर में मापी जाती है। दूध खट्टा किस कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण दूध खट्टा हो जाता है, जो दही बनता है वो जीवाणुओं के कारण बनता है। नेक्स्ट, पेंसिलिन पेंसिलिन क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक होती है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो ये अंडे के जो उजला भाग होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लेक्टोज होती है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक किसे नष्ट करते हैं? तो ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट, हार्मोन का क्या कार्य है? तो ये सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है? तो ये मेरुदंड होता है। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से होता है। और चाय में जो पदार्थ पाया जाता है वो क्या होता है? थीन। और कॉफी में जो उत्तेजित पदार्थ होता है वो होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है? कोसकीसीन होता है, कोसीन। नेक्स्ट, तंबाकू में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है उसे निकोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। और जो चट्टान पर उगते वाले पौधे होते हैं उन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो उसे क्रोपोफिल कहते हैं। और जो वृक्ष की छाल पर जो उगने वाले पौधे कवक होते हैं उन्हें कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है? साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड। अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबी पौधे किससे संबंधित है? तो ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित संसार के जो भी लंबे पौधे होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, गोताखोर किससे सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा गोताखोर जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन से हैं? तो ये हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट, डबल रोटी बनने में क्या प्रयोग होता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड द्वारा। ये बनार्ड है, बनार्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो ये है जोसेफ लिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोवा क्या कहलाता है? तो ये युगलीना होता है, हरा प्रोटोजोवा। नेक्स्ट, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? गिल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मछली का लीवर भरपूर होता है किससे? विटामिन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनधारी में किए जाते हैं, जो भी डॉल्फिन होते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल होता है सबसे बड़ा स्तनधारी। रेशम के कीड़े पालने को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी और रेशम के कीड़े पालने को सेरिकल्चर। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अतिथियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी और दूध का पीला रंग किस कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो ये 99% घी में वसा की मात्रा पाई जाती है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये ब्यूटो एरोमीटर होता है, जिससे हम दूध में वसा की कितनी मात्रा है ये नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये माल्टोज होता है। अगला क्वेश्चन, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा होता है। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा दूरबीन के आविष्कारक कौन है? तो ये गैलीलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया कहाँ होता है पायरिया की बीमारी? तो ये मसूड़ों में होती है। एनीमिया रोग के कारण क्या है? एनीमिया किसके कमी के कारण होता है? तो लोहे की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये फंक ने किया था, एसएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये गाजर है, जिसमें ए सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आप आम में इसमें कुछ दिया गया था, ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं, तो आम में तो ये क्वेश्चन वैसे कंफ्यूजन है, लेकिन जो भी ऑप्शन में दिया गया था उसमें सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन क्या है? तो ये विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और ये यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, और ये जो कोबालिक होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो ये विटामिन C होता है। नेक्स्ट, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो विटामिन C के कारण। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन D होता है, वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए करता है, एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये विटामिन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन D होता है। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत में तेल में किसकी किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो ये विटामिन D का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन K की कमी के कारण होता है? तो ये रक्त का थक्का नहीं जमता, इसकी विफलता में विटामिन K की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो ये नियोसिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, तो जो भी ऑप्शन में था उसमें गेहूं अंकुर का तेल, इसमें विटामिन A की मात्रा का महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से, एसएससी का 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी कमी के कारण? विटामिन D की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं होता है? तो विटामिन B और C होता है, विटामिन B और C ये वसा में विलेय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में के नेत्रों को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन A के लिए, जो नेत्र के लिए आवश्यक होते हैं। सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कौन सा है? इसमें फॉलिक अम्ल है, ऑप्शन में कुछ दिए गए थे। नेक्स्ट,
मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो ये विटामिन ए होता है जो इन्फेक्शन रोकने के लिए मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छीली हुई सब्जियां धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? अरक्तता हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो किसका स्रोत है ये? विटामिन ए का है। गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो आंवला होता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी के कारण होता है और आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन कहलाता है, अन्य नाम है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन B6 होता है जो पानी में घुलनशील होता है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। ऑस्टियो मलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है ऑस्टियो मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का कारण क्या है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? जो इनेमल होता है, मानव के दांत के ऊपर जो हमारे पदार्थ होता है उसे इनेमल कहते हैं, और वही सबसे हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये होमो प्रजाति से संबंधित है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन होता है। जब वायु में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो लाइकेन की संख्या कम हो जाती है, इससे हम समझ लेते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। नेक्स्ट, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो CH4 होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि यानी वर्म के कारण होता है। नेक्स्ट, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये पारिस्थितिकी विज्ञान है। जो जीव के उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, पत्ता गोभी का खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो ये पत्तियों में करता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है? एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात, मतलब जैव विविधता, वहां विभिन्नताएं पाई जाती हैं किसकी? बहुत प्रकार के पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे और प्राणी जाति की, प्राणियों की। नेक्स्ट, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो परागण के द्वारा करते हैं। किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? केचुआ होता है। कीट किससे संबंधित होते हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिटामोल किस में उपयोग किया जाता है? तो ये शरीर के दर्द निवारण में होता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स के लिए। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? ये कुत्ते के काटने पर दिया जाता है एंटी रेबीज का टीका। नेक्स्ट, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हीमोफेलिया होता है। अगला क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित होती है? त्वचा से संबंधित होता है एपिडर्मिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो 6 होते हैं। ग्लूकोमा एवं ट्रिकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो ये आंखों से संबंधित बीमारी है। शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया किस जीव के कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है निमोनिया। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल के ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? तो ये रसारोहण कहलाती है, एसेंट, एसेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो ये 100 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम के बीच होता है। समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति क्या को क्या कहते हैं? तो ये न्यूअस कहलाती है, समुद्र की सतह पर जो वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो ये
1350 ग्राम का होता है महिलाओं में और 1450 ग्राम का पुरुषों में हो पाया जाता है। मतलब एवरेज मान लीजिए 1400 ग्राम का होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की पिट्यूरी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूरी ग्रंथि होती है। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब कौन सा भाग दिया जाता है? तो ये कॉर्निया होता है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व तो मानव प्रजाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो सीसा होता है। लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अम्ल का स्वाद होता कैसा होता है? खट्टा होता है। मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ों में होता है। अम्ल वर्षा वास्तव में किसका मिश्रण है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अम्ल वर्षा किसके में क्या होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है ये। नेक्स्ट, राइबोसोम केंद्र है, किसका केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण का। अगला क्वेश्चन, आंख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो ये शलाकाओं पर करता है, शलाकाओं पर। जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 होती हैं नवजात शिशु में, और वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो ये कार्बन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। हमने इसमें 300 क्वेश्चनों को देखा बायोलॉजी से संबंधित। ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे अगर एक बार में ना याद हो तो आप दो बार देख सकते हैं, इससे आपको ये रिपीट हो जाएगा, आप रिवाइज भी कर सकते हैं इसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।